क्या एक्सेल में ऐसा कोई फंक्शन है जो यहाँ पर दी गई नेम लिस्ट में से किसी नेम के एक दो यूनिक करेक्टर यहाँ पर टाइप करें और कंप्लीट नेम रिफ्लेक्ट हो जाए? क्या इसे वीलुकअप द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर है यस, परंतु अगर सिंपल वीलुकअप यूज करेंगे तो एरर रिटर्न होगा। तो फिर कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। पहले हम यहाँ पर सिंपल वीलुकअप अप्लाई करेंगे, तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, वीलुकअप टाइप करेंगे। ये देखिए वीलुकअप फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। वीलुकअप फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू, यानी आप यहाँ पर क्या सर्च कर रहे हैं। हम यहाँ पर सर्च करेंगे नेम, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम नेम्स के यूनिक करेक्टर्स टाइप करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे, इसके लिए हम यहाँ पर ये नेम लिस्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। और नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम कॉलम में है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर रहेगा 1, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एनी रिटर्न हो गया है अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी लुकअप वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं GA, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिंपल वीलुकअप से हम यहाँ पर कंप्लीट नेम को सर्च नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो एरर ही यहाँ पर शो होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर वीलुकअप फंक्शन में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारी लुकअप वैल्यू है C2 सेल, इसके साथ हम वाइल्ड कार्ड एस्टरिस्क का उपयोग करेंगे। एक्सेल में वाइल्ड कार्ड किसी करेक्टर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, तो यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू के साथ वाइल्ड कार्ड एस्टरिस्क का उपयोग करेंगे। तो ये C2 से पहले हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर एस्टरिस्क साइन लगाएंगे इस तरह से, और सेल रेफरेंस को कॉन्केटिनेट करने के लिए M% साइन लगाएंगे। अब यहाँ सेल रेफरेंस के बाद में फिर से एक बार M% साइन लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर एस्टरिस्क साइन टाइप करेंगे, बस इतना ही करना है, और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं D4 देवेश यहां पर रिटर्न हो गया है। इसी तरह से किसी भी नेम के एक दो यूनिक करेक्टर आप यहां पर टाइप करेंगे तो कंप्लीट नेम यहां पर रिटर्न हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नेम के कोई भी यूनिक करेक्टर आप टाइप करेंगे तो कंप्लीट नेम यहां पर आ जाएगा। जैसे अभी हमने यहां पर नंद रावत में NAN टाइप किया है, हम मान लीजिए यहां पर AT टाइप कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो सेम नेम यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि AT यहां पर दोनों यूनिक करेक्टर हैं। अब यहां पर यदि हम टाइप करेंगे L, तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट नेम रिटर्न हो गया है, क्योंकि L यहां पर इस नेम लिस्ट में केवल एक ही नेम में आया है। अब यहां से यदि हम ये लुकअप वैल्यू को डिलीट कर देंगे तो यहां पर फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली रिटर्न रहेगा। हम चाहते हैं कि यदि ये सेल ब्लैंक है, लुकअप वैल्यू वाली सेल, तो ये सेल भी ब्लैंक हो जाए। तो इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। इस फंक्शन से पहले हम यहाँ पर इफ फंक्शन अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इफ फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि ये सेल C2 सेल, जो हमारी लुकअप वैल्यू वाली सेल है, ये देखिए C2 यहाँ पर आ गया है, ब्लैंक के बराबर है, तो इक्वल प्रेस करेंगे और ब्लैंक के लिए दो बार डबल कोटेशन टाइप करेंगे। अगर यदि ऐसा है तो ये सेल भी ब्लैंक हो जाए जिसमें हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्लैंक के लिए दो बार डबल कोटेशन, कॉमा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां पर ये वीलुकअप फंक्शन अप्लाई हो जाए, बस फंक्शन के लास्ट में इफ फंक्शन के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये सेल ब्लैंक है तो यहां पर ये सेल भी ब्लैंक हो गई है। अब यहां पर मान लीजिए हम कोई भी यूनिक करेक्टर टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो नेम यहां पर रिटर्न हो जाएगा। इसको डिलीट करेंगे तो सेल ब्लैंक हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस मैजिकल ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।